नमस्कार, मैं भाग्यश्री विकीबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने अपनाया विरोध का नया तरीका, भेज रहे कांग्रेस नेताओं को शॉर्ट्स। पुसद के हुडी ग्राम पंचायत सरपंच उप सरपंच सदस्य को किया गया अपात्र घोषित, पुसद के इतिहास में पहली घटना। जब बैन का विरोध करने पर कॉलेज ने 24 छात्राओं को किया सस्पेंड, फिर गहराया विवाद। विस्तार से, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया द्वारा आरएसएस के खिलाफ दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है और आरएसएस कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करने के लिए अनोखा तरीका अपना रहे। बता दें कि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध के संकेत के रूप में शॉर्ट्स जलाई जाएगी। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों आरएसएस की खाकी शॉर्ट्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा सरकार की शिक्षा नीति के विरोध में कुछ दिनों पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का विरोध करते हुए उनके तुमकुरु आवास के बाहर आरएसएस की खाकी निक्कर को जलाया था। शिक्षा मंत्री उस समय घर पर नहीं थे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और छात्र नेताओं की गिरफ्तारी भी की। सरकार के इस कदम से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विरोध में सांकेतिक तौर पर एक शॉर्ट्स जलाई थी, उसे पुलिस और सरकार ने एक बड़ा अपराध बना दिया है और कहा है कि घर जलाने की कोशिश की थी। अब हम शॉर्ट्स जलाने का एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। यवतमाल में विदर्भ हाउसिंग सोसाइटी परिसर में 1 BHK के कैफे में पुलिस की छापेमारी के बाद एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इससे शहर में हंगामा मच गया है। कैफे के नाम पर 1 BHK में 7 से 11 बेड बनाए गए थे। अध्यापन और कॉलेज के समय कैफे में चालक अपने 1 BHK में जोड़ों को प्रवेश देता था। पुलिस को पता चलते ही पुलिस ने छापा मारकर कैफे चालक को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी राजेंद्र देवीदास गुल्ला ने विदर्भ हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला है। यहाँ विदर्भ हाउसिंग सोसाइटी क्षेत्र में एक कैफे स्थापित किया गया था। यहाँ बर्गर, सैंडविच, फास्ट फूड बिकता है। यहाँ आने वालों में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या सबसे अधिक है और अधिक से अधिक प्रेमी है। प्यार करने वाले जोड़े आराम की जगह पसंद करते हैं, इसलिए इनका रुझान एकांत जगहों पर जाने का ज़्यादा होता है। इसी वजह से 1 BHK में 7 से 11 बेड बनाए गए थे। अगर आप प्राइवेट में प्यार चाहते हैं तो यह सर्विस 500 रुपये प्रति घंटे की दर से शुरू की गई थी। अध्यापन और कॉलेज के समय में कैफे चालक अपने 1 BHK में जोड़ों को प्रवेश देता था। यह प्रकार पिछले कई महीनों से चल रहा है। इस बीच अवधुतवाड़ी थाने को घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो 1 BHK में 2 जोड़े मिले। उनसे पूछताछ के बाद कैफे के चालक का नाम सामने आया और इस कांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान दंपत्ति को छोड़ दिया, जबकि कैफे चालक को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। हमारा बात है कि विदर्भ हाउसिंग कॉलोनी इथे सैंडविच कैफे मध्ये मुला मुलींना मुंबईत राहण्यासाठी किंवा त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वागणूक देण्यासाठी 500 रुपये तास याप्रमाणे एक रूम भाड्याने दिले जाते। अशा प्रकारे गोपनीय माहिती मिळाली, वरून आम्ही आमच्या वरिष्ठ च्या आदेशाने सदर कॅफेमध्ये जाऊन रेड केली असता इथे 2 कपल आम्हाला असे चारे करताना दिसून आले। वरून कॅफे चालक यांना आम्ही 150 नोटीस देऊन प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली। वरील दोन्ही जोड्यांना योग्य ते समज देऊन सक्त ताकीद देऊन त्यांना सोडण्यात आलं आणि मग पुढे तपास सुरू होतो। VKB न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। यवतमाल में धानकी के पास सोइट शिवार में एक तेंदुए का शव मिला है। ग्रामीणों ने यह शव मिलते ही वन विभाग को इसकी जानकारी दी। तेंदुए की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उमरखेड़ तालुका में धानकी के पास सोइट शिविर में एक तेंदुए का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सोइट में देवीदास मागड़े के खेत के पास एक खाई में इस तेंदुए का शव मिला था। गांव में बकरी चराने जा रहे संदीप माघड़े नाम के लड़के ने नाले से आ रही बदबू को देखने गया, तब उसे यह शव दिखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने बताया कि तेंदुए की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही जानकारी मिल सकेगी। हमसे इतने जंगली जानवर बिबट्या हा आज रोजी आमच्या माघाडे निदर्शनाला आला नाल्यामध्ये
त्यांनी मग मला त्याचे फोटो वगैरे माझ्या व्हॉट्सअपवर पाठवले आणि लगेच बाकीची मंडळी सर्व गावातले लोक येऊन पाहतात तर तो 3-4 दिवसापासून मेलेला असावा असा एक अंदाज आहे. त्याच्या अंगावर आळ्या वगैरे पडलेल्या आहेत आणि आमच्या स्वीटमध्ये तरी त्यांनी कसल्या प्रकारची जीवितहानी किंवा जनावराला काही इजा अशी पोहोचलेली नाही. या बाबतीत थोडंसं जी फॉरेस्ट विभागाची मंडळी आहे ते या ठिकाणी दाखल झालेली आहेतच. थोड्याच वेळात वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा येतील तर त्यांनी या बाबतीत थोडस सहकार्य करावे अशी आमची गावकऱ्यातर्फे त्यांना विनंती आहे. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. आपका स्वागत है. पुसद तालुका में सरपंच, उप सरपंच और हुडी के एक सदस्य को संभागीय आयुक्त द्वारा कर्तव्य में लापरवाही के लिए अपात्र घोषित किया गया था. पंचायत समिति के इतिहास में यह पहली घटना है. हुडी ग्राम पंचायत सरपंच अनुराधा कानेकर, उप सरपंच संतोष भगवान कामले और सदस्य दिलीप सीताराम कामले को संभागीय आयुक्त ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया है. साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तत्कालीन ग्राम सचिव अनीता दिगंबर अगाशी के खिलाफ सरकारी योजना से 14 लाख रुपए के गबन के मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. अप्रैल में ग्राम सचिव के खिलाफ ग्रामीण थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इस घटना से पुसद तालुका में हड़कंप मच गया है. ग्राम पंचायत हुडी पंचायत समिति पुसद अंतर्गत येते. ॲक्च्युली ग्राम पंचायत हुडी तर तिथेल ह्याच्यामध्ये ग्रामसेवक, सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्याविरुद्ध जी आम्हाला तक्रार प्राप्त झाली होती, तरी सर त्या तक्रारीची चौकशी करून आम्ही तो सगळा अहवाल माननीय विभागीय आयुक्त यांच्याकडे माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी सादर केला होता. यांनी त्या प्रकरणी संपूर्ण चौकशी होऊन माननीय विभागीय आयुक्त अमरावती विभाग अमरावती यांच्या आदेशाने सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांच्यावरती अपात्रतेचे आदेश आपल्याला पारित झालेले आहेत. त्यासोबतच त्याच्यातरी जबाबदार असलेले ग्रामसेवक कुमारी आगाचे यांच्याविरुद्धसुद्धा आपल्याला कारवाई करण्याचे आदेश प्राप्त झालेले आहेत. त्यानुसार आपण पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध खाती चौकशी सुरू आहे. खाती चौकशीनंतर सगळं जे कारवाई ते आरोप सिद्ध झाल्यानंतर रिसर कारवाई जे आमची शिस्त व आपले नियम आहेत आपल्या जिल्हा परिषदेचे त्यानुसार त्यांच्याविरुद्धसुद्धा कठोर कारवाई प्रशासनामार्फत करण्यात येईल. वर्धा में एक शराबी ने रास्ते पर खड़ी कार के कांच फोड़कर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया. शराबी की करतूत से परेशान होकर लोगों ने उसकी पिटाई की और पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने शराबी व्यक्ति को हिरासत में लिया है.
वर्धा के बैचलर रोड पर शराबी ने शराब पीकर बहुत बड़ा हंगामा किया। यह शराबी न सिर्फ रास्तों पर गाली गलौज करके जा रहा था, बल्कि रास्ते पर चल रही एक कार के कांच फोड़ दिए। इस व्यक्ति की हरकतें देखकर नागरिक त्रस्त हो गए। नागरिकों ने इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया। किले शिव वैभव मंगल कार्यालय के पास रास्ते के एक साइड में एक महिला की कार खड़ी थी। वहां से गुजरने वाला अरुण शेलार दारू के नशे में था। उसने पहले कार को लात मारी और कार के कांच फोड़ने लगा। यह घटना लोगों को दिखते ही लोगों ने यह घटना अपने मोबाइल में वीडियो लेकर रिकॉर्ड कर ली। कुछ समय बाद परिसर के नागरिकों ने जमा होकर उसे पीटा और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया। मिली जानकारी के अनुसार यह जालना का रहवासी होकर मानसिक रोगी होने का पता चला है। राजनीतिक नेताओं के आशीर्वाद से रोड पर बिक्री करने वाले लोग पैर पसार रहे हैं और 500 से 5000 रुपए प्रति सप्ताह वसूल कर रहे हैं। उन्हें बिना अनुमति के केवल अपने वजन का उपयोग कर ऐसे अनाधिकृत पेडलरों को बिना किसी परेशानी के कहीं भी बैठने देने के उपाय किए जा रहे हैं। इसी तरह की घटना एरोली के सेक्टर 8 में हुई, जब 10 से 12 रोड पर बिक्री करने वालों के गिरोहों ने एक दुकानदार पर हमला किया और दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस आगे की जांच कर रही है। लगता है कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी कई स्टूडेंट कॉलेज में हिजाब पहनकर आने की अनुमति मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उपेंद्रगढ़ी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 24 छात्रा जो हिजाब बैन का विरोध कर रही थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कर्नाटक के मंगलुरु स्थित कॉलेज ने 24 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया है। इन छात्राओं ने हिजाब बैन का विरोध किया था। सभी छात्राएं उपेंद्रगढ़ी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की है। इन पर गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का आरोप है। सस्पेंड किए गए इन 24 छात्राओं ने पिछले सप्ताह हिजाब प्रबंधन और सरकार के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार करने के साथ ही विरोध भी किया था। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वही एक वर्ग हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थान में प्रवेश की अनुमति मांग रहा है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक मसौदा अधिसूचना के अनुसार सरकार ने कानून में संशोधन करके आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 16 दवाइयों जैसे पैरासिटामोल को काउंटर पर बेचने की अनुमति देने की योजना बनाई है। बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचे जाने वाली अन्य दवाओं में कुछ डिस्कॉन्गस्टेंट आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले 10 के साथ साथ कुछ माउथवॉश, एंटी मुहासे क्रीम और क्रीम के रूप में सामायिक दर्द निवारक शामिल है। तो अभी दोपहर की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।